हे गाइस, वेलकम टू स्पाइसी शुगर्स। आज हम गुजिया बनाने वाले हैं, चलिए चलते हैं। मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है, अब उसमें एक चम्मच घी मिलाएंगे। घी को अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये लड्डू जैसा नहीं बन जाता है। जब ये लड्डू बनने लगेगा इसका मतलब है कि वो तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसको भून लेंगे। इसको भूनने के बाद इसको ढक के रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी भी कर लेंगे। ये सूखा नारियल है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास मिक्सी नहीं था तो मैंने इसको कद्दूकस किया है। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन फिर भी आप इससे कर सकते हैं। अब ये तैयार है। अब एक पैन में घी डालेंगे और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम हल्का भून लेंगे। बादाम अब चटकने लगा है, मतलब ये लगभग भून चुका है। अब इसमें साथ साथ काजू भी डाल देंगे। काजू को हमको ज़्यादा नहीं भूनना है इसीलिए मैंने इसके साथ ही डाल दिया है। अभी भून चुका है, इसे अब हम निकालेंगे। अब हम इसमें पिस्ता डालेंगे। और पिस्ता को भी ज़्यादा भुनना नहीं है क्योंकि पिस्ता सॉफ्ट होता है, और इसको हल्के आंच में भुनेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। इसमें अखरोट को भुनेंगे। अखरोट को ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ज़्यादा भुनने से ही इसमें एक तीतापन आ जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट इसको कढ़ाई में डाल के निकाल लिया है। अब इसमें रवा भुनेंगे इसी सेम पैन में। रवा अब लगभग भून चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और सेम पैन में ही हम मतलब कि जो ड्राई कोकोनट था उसको हल्का फ्राई कर लेंगे। नारियल हल्का भून चुका है, अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे और उसी के साथ फ्राई करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं दिया है, मुझे मीठा कम पसंद है इसलिए। अब ये तैयार है, इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, रवा, नारियल। और इसमें डालेंगे क्रश्ड इलायची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुजिया की स्टफिंग तैयार है। अब मैदे को चेक कर लेंगे। अब ये ढक के रखने के कारण सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको एक बार और थोड़ा सा हल्का गूंद के फिर छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे और उसमें स्टफिंग डालकर गुजिया की शेप देंगे। ये ट्रेडिशनल गुजिया मैंने इसको कहा है क्योंकि सालों से ये इसी तरह से हम सभी के घरों में ये बनता आया है। आप इसको हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, पर मैंने फोर्क से इसको प्रेस किया है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और इसको चलते समय इसके बीच से स्टफिंग बाहर ना आ सके। अब हम दूसरे शेप की तरफ चलते हैं। इसको मैंने मोमो का शेप दिया है इसीलिए इसका नाम मोमो गुजिया है।
चॉकलेट गुजिया है, पर इसका शेप मैंने मोमो की तरह दिया है, इसलिए ये चॉकलेट का मोमो गुजिया है। अब ये ओरियो बिस्कुट का यूज़ किया है मैंने, ये ओरियो गुजिया है, पर इसको मैंने मोमो का शेप दिया है और इसमें मैंने स्टफिंग का यूज़ नहीं किया है। ये भी चॉकलेट गुजिया है, पर इसको मैंने स्क्वायर साइज में इसको इसका शेप दिया है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी वो भारी जैसी लग रही होगी, क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये भी ओरियो गुजिया हैं, पर इसको मैंने दूसरी शेप देने की कोशिश की है, पर इस शेप का नाम मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो कि इस शेप को क्या कहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे जो समझ में आया या मेरे जो दिमाग में आया, मैं वही शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ये सब ऐसी ओरियो गुजिया या फिर चॉकलेट गुजिया बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, तो आप उनके लिए बना सकते हैं। तक जितना भी हमने तैयार किया है उसको अब हम तल लेंगे। कढ़ाई में घी गर्म हो गया है, उसको हम चेक कर लेंगे छोटा सा टुकड़ा डालकर। हाँ, ये तैयार हो चुका है। अब एक एक करके हम सारी गुजिया को तल लेंगे। पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे हम। देखिए काफ़ी यम्मी दिख रहा है। जो बाकी का मैदा बचा हुआ उसकी भी गुजिया बना लेंगे। इस गुजिया का शेप मैंने स्क्वायर दिया है और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो यूज़ किया है। फ्लावर जैसा दिख रहा था इसलिए मैंने इसका नाम फ्लावर गुजिया रख दिया। ट्रेडिशनल मोमो गुजिया इसलिए बोला है क्योंकि मोमो हमेशा से इसी शेप में बनता आ रहा है, तो ये बहुत ही फेमस है। अब हम इन सभी को तल लेंगे। ध्यान से
गुजिया को घी में रखे नहीं ये, क्योंकि और घी बहुत गर्म होता है, हाथ जल सकता है, इसलिए धीरे धीरे रखें, केयरफुल रहें। अब रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने घी का यूज़ किया है। इन सबको अच्छे से उलट उलट कर पका लें, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। अब ये तैयार हो चुका है, अब इसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब सारी गुजिया तैयार हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। मैं एक एक करके आपको इसकी शेप दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा बनकर निकला है ये, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। तोड़ के दिखा देती हूँ कि इसके अंदर का कैसा हो दिख रहा है। ये चॉकलेट गुजिया है, चॉकलेट एकदम अंदर से सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा पीला नहीं है। ये ओरियो गुजिया है। मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैं वीडियो कर रही हूँ, तो एक हाथ से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। स्टफिंग भी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।